नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश के सुन्नी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की धूमधाम से मनी चौथी सालगिरह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हुए शामिल। कोलकाता के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के कानन दीदी को मिला बंग गौरव सम्मान। और अहमदनगर स्थित विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज में MBBS स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 7 दिवसीय वर्कशॉप, राजयोग मेडिटेशन का दिया प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के सुन्नी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की चौथी सालगिरह बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, जालंधर से राजयोग शिक्षक बीके सुरेंद्र, उप सेवा केंद्र के निदेशक बीके रेवादास भाई, प्रभारी बीके शकुंतला बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए 100 गांवों के 800 से भी अधिक लोगों को राज्यपाल जी ने संबोधित करते हुए कहा कि सुन्नी के आसपास के 100 गांवों तक लोगों को व्यसन मुक्त बनाने में जिन ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों ने सहयोग दिया है वो प्रशंसा के पात्र हैं। अपने उद्बोधन के बाद राज्यपाल जी ने उन सभी लोगों को प्रमाण पत्र देकर हौसला अफजाई भी की। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज के इस सम्मेलन में इस सुन्नी निवासी भाई बहनों के लिए एक ही प्रतिज्ञा है कि हम अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, परिवार को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, तब जाकर के हमको विश्व को बदलना है। वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति विकास संस्था भारत द्वारा कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ब्रह्मा कुमारी बीके कानन को बंग गौरव सम्मान से सम्मानित किया। बीके कानन को यह सम्मान समाज को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव पाल द्वारा प्रदान किया गया। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देने के लिए 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया के मार्गदर्शन में आयोजित रही, जिसमें डॉक्टर सुधा काकरिया जी ने मेडिटेशन एज मेडिसिन, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, हीलिंग एनर्जी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कॉल ऑफ टाइम, सुप्रीम पावर और वर्क एंड लक रिलेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील महस्के, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर रूपा नाइक, बीके डॉक्टर सुधा काकरिया, बीके डॉक्टर नाइकवाड़ी, डॉक्टर विजय पाटिल मुख्य रूप से मौजूद रहे। हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ते, लेकिन मैम ने हमें मेडिटेशन का सही मतलब बताया, वहाँ क्या होती है, परात्मा क्या होती है, हम आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हैं। तो डॉक्टर के साथ मेडिटेशन हम जब इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में तो अपना जो पॉजिटिव ऑरा है, हम कैसे हर समस्या को और हर कठिन जो जो केसेस आने वाले हैं, डिसीज आने वाले हैं, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या पॉजिटिव थिंग डेवलप कर सकते हैं, ये मैम ने बताया। सुधा कांकरिया जी की अनमोल सहकार्य से, सहयोग से 200 बच्चों को, 200 फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट को ये राज्यों की पढ़ाई दी गई। रोज मैं सुबह 4:30 बजे उठ के सुबह पहले मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मुरली सुनता हूँ, इससे मुझे मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। डॉक्टर सुनील महस्के ने बच्चों पर कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए डॉक्टर सुधा काकरिया से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह किया। कार्यशाला के बाद बीके डॉक्टर सुधा काकरिया ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना आज क्यों जरूरी है। 4 लेवल पर वेलबींग होना चाहिए, यानी हेल्दी होना चाहिए। एक तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल।
तो स्पिरिचुअलिटी ये भी एक पार्ट है, सोशलिटी ये भी एक पार्ट है, और ये सभी बातें राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा सिखाई जाती है। राजयोगा मेडिटेशन केवल बैठकर करने की बात नहीं है, तो ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन पद्धति है। ये जीवन पद्धति इस पृथ्वी के हर एक इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में वंजारा समाज द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, वंजारा समाज के अध्यक्ष गोविंद जी कानू जी के अलावा ब्रह्म कुमारी अहमदाबाद के मणिनगर क्षेत्र की प्रभारी बी के नेहा और गांधीनगर सेक्टर 3 सेवा केंद्र की प्रभारी बी के सुनीता भी मौजूद रहे और कार्यक्रम का आगाज किया। इस विशाल कार्यक्रम में वंजारा समाज के 20,000 से भी अधिक लोगों ने 72,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत अमृतसर के सेंट जूड स्कूल, आर्य समाज स्कूल, कमल ज्योति स्कूल, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्राइट स्कूल में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पवन समेत कई बीके सदस्यों ने बच्चों को जीवन में स्पिरिचुअल वैल्यूज का महत्व बताया और एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ाई से पूर्व कुछ देर मेडिटेशन करने का सुझाव दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कार्यशाला को बच्चों के लिए उपयोगी बताते हुए बीके सदस्यों की सराहना भी की। महाराष्ट्र के लातूर, मध्य प्रदेश के जबलपुर, रतलाम, सतना और रीवा सेवा केंद्रों पर अभियंताओं के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसकी झलकियां अब हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र की, जहां कार्यक्रम का आगाज इंजीनियर्स के स्वागत और सम्मान से हुआ। इसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बी के नंदा दीदी ने इंजीनियर्स को राजयोगी बनने की प्रेरणा दी। आप सभी इंजीनियर्स भाई बहनों के लिए हमारी एक शुभ भावना है कि आप की इतनी ऊंची पोस्ट है, तो वो कार्य के साथ साथ अगर इस तरह का समाज के कार्यों को भी, समाज सुधारना में भी आपका योगदान रहेगा, तो आज जो अनेक समस्याओं से आज संसार गुजर रहा है, तो हम उसको परिवर्तन करने के लिए हम निमित्त बनेंगे। इसके लिए हमें घर बार छोड़ने की जरूरी नहीं है, कारोबार छोड़ने की जरूरी नहीं है। ये सब कार्यक्षेत्र को संभालते हुए हमारी ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आत्मसात करेंगे, तो आप डबल इंजीनियर का कार्य करेंगे। बीके नंदा दीदी के अलावा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अभियंता गोविंद सरजे और पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिगप्पा भरप्पा ने अपने राज्यों के सुंदर अनुभव सुनाए। इसी क्रम में देखिए तस्वीरें जबलपुर, सतना, रतलाम और रीवा सेवा केंद्र पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की। छूलो गगन के उस छोड़ को, पंखों से नहीं हौसलों से है उड़ना, नया जहां रचने बेहद में तुम्हें है चलना, तेरे साथ है आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।